कन्शिका सिंह ब्लॉग में। तो सुबह के बजे हैं 8 और कन्शिका स्कूल चली गई है। सॉरी को अभी तैयार करना है, वो बाथरूम में है, आता है तो उसे तैयार करती हूँ। और सब लोग चाय वाय पी चुके हैं। और इधर देखिए इनका सुबह से मोबाइल चल रहा है। और सॉरी अभी अभी आया है, ये देखिए अभी अभी आया है। गुड मॉर्निंग तो बोलो। गुड मॉर्निंग अभी इसको तैयार करूंगी, मुंह हाथ धो के। नहाएगा नहीं? नहाओगे? नहा लो। कब नहाओगे? 11 दिन के बाद नहाएगा, यानी अगले महीने। चलो मुंह हाथ अच्छे से धो दे तब चलो। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है और सॉरी को मैं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि वंशिका चली गई है और इसका टाइम हो रहा है। तो ये सुबह में बहुत ठंड रहती है, इसलिए अभी नहीं नहला के भेज रही हूँ। थोड़े दिनों के बाद नहलाने लगूँगी सुबह के टाइम में। अभी तो बहुत ठंड है, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। तो इसको तैयार करके फटाक से इसके बहनाने का टाइम हो रहा है 10 मिनट में। तो वही मैं रेडी करने में लगी हुई हूँ। सीधे कर रहा है। तुम बेइज्जती कर दे रहा मेरी गुल्लू का। तुम रखो इसको, हो गया। ये आदमी सुबह से पड़े हुए हैं, पड़े पड़े चाय पी लिए, पानी पी लिए, फिर से लग गए मोबाइल। 4 बजे से कितना मोबाइल देखते हैं। देख इधर देखिए, इधर देखिए। हेलो हेलो हेलो। सॉरी रेडी हो रहा है, आधा रेडी हो चुका है, आधा रेडी होने वाला है। अभी ऊपर से ब्लेजर डालेगा, मोजे जूते, है ना। निकल लूंगा, उसके बाद निकल लूंगा पंची बन के। तो अभी बच्चे गए स्कूल, दोनों चले गए हैं। और हस्बैंड की बोले चाय बना के रखो, आ रहा हूँ छोड़ के। अभी तक पता नहीं है, चाय ढक दी है, चाय बन चुकी है। और यहाँ पे सब्जी मैंने तड़का लगा दी है, सब्जी बना लूंगी फिर जाऊंगी नहाने। और आटा सुबह ही लगा लेती हूँ, बच्चे जब जाते हैं तभी लगा लेती हूँ। अगर पराठे पूरी वगैरह देती हूँ तो आटा उसी टाइम लगा लेती हूँ सुबह में ही। तो सब्जी बन के तड़का लग जाएगी तो मैं चली जाऊँगी उसके बाद से, क्योंकि कपड़े वगैरह भी धोने हैं। कल मैंने कपड़े नहीं धोए थे इसलिए ज़्यादा कपड़े हैं, कपड़े वगैरह धोने हैं। और सब्जी में तड़का लगा दी, आलू गोभी मटर की सब्जी है ज़्यादातर, आजकल यही मिलना ही है तो यही ज़्यादातर सब्जी बनती है। और पालक वगैरह बना, बच्चे नहीं खाते हैं। रात को बैगन बनाया था भरता, पर अच्छा नहीं बना था क्योंकि बैगन अच्छा नहीं था। तो क्या कर सकते हैं, सब्जी वाले ने जो दिया वो ले लिया, देख के नहीं देख के लेना चाहिए था, समझ में नहीं आया उस समय पर। और अब मैं नहाने जाऊंगी क्योंकि आज बिना नहाए ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो बहुत लेट करते थे तो सब लोग चले जाते थे, घर में सन्नाटा रहता था, इतना अकेले क्या क्या बड़बड़ाते हैं आपके साथ में। इसलिए आज सोचा कि सुबह स्टार्ट कर लें। अभी तक काम वाली आंटी नहीं आई है, 10:30 पे आएंगी, अभी होने वाला है 10 बज गया है, अब तक नहीं आई, 10:30 पे आएंगी। देखिए घर पूरा ऐसे ही फैला हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है सब कुछ। ये देखिए ये रूम तो मैंने ठीक कर दिया है, ये वाला रूम तो ठीक कर दिया है, बस वो पड़ा हुआ है। सोफ़ा वाला रूम सही कर दिया है, ये वाला रूम भी सही कर दिया है, बस थोड़ा सा टेबल पोछना है। और ये रूम पूरा अस्त व्यस्त है, इसको ठीक करना है। भगवान जी अभी सो रहे हैं, अभी इनको नहा के उठाऊँगी क्योंकि सर्दियाँ हैं तो इसलिए थोड़ा लेट ही उठाते हैं इनको। नहीं तो वंशिका जाती थी तभी उसे समय उठा देते थे, पर सर्दियों में नहीं उठाते हैं जल्दी, बालक हैं तो थोड़ा सा सो लेने दो। और मिलती हूँ थोड़ी देर में नहा के। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं नहा के आई हूँ, अभी भी नहाना हो पाया है। 11 बज रहे हैं, बहुत ही लेट हो गया क्योंकि फिर हस्बैंड जी जाने लगे ऑफिस, तो उनको सब बना बना के देना पड़ा, फिर नाश्ता वास्ता, फिर कपड़े भी थे, कपड़े नहीं धोए थे तो कपड़े भी धोने थे क्योंकि आज नहीं धोते थे फिर कल बृहस्पतिवार हो जाता। और मैं नहा चुकी हूँ, शैम्पू किया है आज, क्योंकि मैं हर बुधवार को शैम्पू करती हूँ क्योंकि बृहस्पतिवार को पूजा करती हूँ इसलिए। और ये देखिए मैंने अभी अभी लड्डू और माधव की पूजा की है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और वो भी इतनी जल्दी में थे क्योंकि पूजा ही किए बिना ही चले गए थे। तो मैं वही पूजा वूजा करके भी फ्री हुई हूँ और जा रही हूँ छत पर कपड़े डालने हैं।
तो यहाँ पे मेरा ड्रायर अभी तक ठीक नहीं हुआ है, बिल्कुल कोई सुनता ही नहीं है कि बनवा दें, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे पानी निचोड़ चोड़ के दो दो दिन में कपड़े सुखाने पड़ते हैं। मैं नाश्ता लेके बैठी हूँ, देख लीजिए, और दो रोटी है, सब्जी है, मिर्ची है, क्योंकि मिर्ची मुझे काफ़ी पसंद है। तब ये सब करने के बाद से और भी बहुत सारे काम है छत पे बैठ के करने हैं। अभी मैं नाश्ता कर लूँ, फिर जाके वो सब काम करूँगी, फिर तब तक बच्चों का ही आने का टाइम हो जाता है। अब मैं टीवी देख रही हूँ और टीवी देखते देखते नाश्ता करूँगी, फिर बच्चों के लिए कुछ बनाऊँगी। पूरा दिन तो एक होता है ना गृहिणी का, ऐसे ही निकल जाता है, लगे रहो पूरे दिन, कंटिन्यू लगे रहो, कोई छुट्टी नहीं, कोई ब्रेक नहीं। अभी इतने सारे कपड़े धो के आए, नाश्ता करेंगे, फिर जाके बच्चों के लिए कुछ बनाएंगे, फिर थोड़ी वो बथुआ पालक वगैरह रखा उसे छाटेंगे, तो नाश्ता करें, तो फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे बथुआ पालक सरसों ये सब मैंने लिया था सुबह में, जिसको मैं अच्छे से क्लीन करके साफ़ सुथरा करके कट करके रख दूँगी। और शाम को आज बनने वाला है कुछ स्पेशल, शाम का अगला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ब्लॉग ये दोपहर तक ही चलेगा और शाम को नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, तो इसलिए मैं इसी टाइम पर इसको कट करके रख दूँगी। और बहुत ही अच्छा ये ब्लॉग आएगा, ज़रूर देखिएगा इसके बाद वाला। आज मैंने बनाई है तहरी, मटर वाली तहरी बनाई है, तो आज तहरी का भोग लगाऊंगी। और हाँ, इस तहरी में मैंने प्याज लहसुन वगैरह नहीं डाला है, देखिए बिल्कुल सिंपल तहरी है, तो आज लड्डू गोपाल को इसी का भोग लगाऊंगी। जब भी भोग लगाए तुलसी पत्ता अवश्य डालें, क्योंकि बिना तुलसी पत्ता के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं, और घंटी जरूर बजाया करें, क्योंकि अगर घंटी या ताली कुछ भी बजाया करें और जब भोग ग्रहण करवाएं, तब उस समय पे चार बार खिलाने के बाद इनको अपने हाथों से वहां से 10-15 मिनट के लिए हट जाएं, या तो पर्दा, मंदिर में पर्दा हो तो पर्दा लगा दें, ताकि भगवान अच्छे से भोग ग्रहण कर ले, और जहां तक संभव हो अपने हाथों से ही भोग ग्रहण करवाए, रख के चले ना जाए वहां से। बहुत जरूरी हो तभी ऐसा करें कि रख के चले जाए, नहीं तो वहीं पे आप भोग साथ में ही ग्रहण, घंटी जरूर बजाएं ताकि भगवान भोग ग्रहण करें। अब आप मन से आप उनसे को बोल सकते हैं, भगवान मैंने आपको खिला दिया है, अब आप अपने भोग ग्रहण करिए प्रेम से, और कह के वहां से हट जाइए थोड़ी देर। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं 2:15, 3:15, 2:30 बजे, सॉरी आ चुका है, देखिए सॉरी, हाय हेलो कुछ बोलोगे बेटा, हाँ तभी सॉरी आया है, और मैं उसे खाना खिला रही हूँ। वंशिका भी आ चुकी है और मैं यहाँ पे टीवी देख रही हूँ, खाना खिलाऊंगी बच्चों को, खाना खिला के आराम करूँगी और कंटिन्यू ब्लॉग एंड कर देती हूँ, क्योंकि शाम को अगला ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी। काफ़ी ब्लॉग ये लंबा हो गया है, सुबह से चल रहा है, इसलिए तो इस ब्लॉग का एंड करूँगी। तो आप सबको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले मेरे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।